असला नाजरीन मैं हूँ डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल बैटरी के यूट्यूब चैनल और मैं उम्मीद करता हूँ खैरो फिर के साथ होंगे आज का जो तो हमारा एपिसोड है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने पास कीमती फैंसी बर्ड्स रखे हुए हैं या जो छोटे पैमाने पे, पे डोमेस्टिक फार्मिंग कर रहे हैं मतलब उन्होंने कोई थोड़ी सी गोल्डन मिसली मुर्गी रखी हुई है लेयर रखी हुई है या कोई असील बर्ड रखे हुए हैं कोई और फैंसी बर्ड है या जिन लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं शौक से ये उनके लिए उनके लिए फ़ायदेमंद है और इसका टॉपिक ये है कि जो जैसे जैसे अब फरवरी भी ख़त्म होने को है आगे मौसम जैसे गर्म हो रहा है तो इस वक्त जो मच्छर है ये जो बैटिंग फ्लाईज हैं वो जो ब्रीक मक्खी होती है जो खून पीती है उसकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है अब होता क्या है कि जो मच्छर है या जो वो बैटिंग फ्लाई है ये तीन चार तरह से जो है हमारे बर्ड्स को नुकसान पहुँचाती है चाहे वो कबूतर हों चाहे वो, वो मुर्गियाँ हों जो भी बर्ड है उन सबको मच जाती है सबसे पहले ही क्या करते हैं कि ये जो मच्छर है या वो जो बैटिंग फलाई है जो छोटी जिसको हम कुत मक्खी भी हमारे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कहते हैं वो क्या कहते हैं सबसे पहला लॉस ये कि वो उनका खून चूसती है जो हमारे पास बर्ड है उनकी कलगी को खास तौर पर जो नीचे बैटल है उनको खास तौर पर कॉम को जो ऊपर उनकी कलगी है उसको करेंगे जो जो जगह यानी कि जो नंगी है जहाँ पे मतलब बाल कम है उस जगह को वो बैट करेंगे और वहां से खून चूसेंगे दोनों जो बैटिंग फ्लाई भी है और जो मच्छर भी है अब होगा क्या कि इससे आगे बहुत सारे लॉसेज है एक तो पहली बात है कि उनके खून की कमी हो रही है उनका सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी है फिर रात को वो कंफर्टेबली सो नहीं सकते आराम नहीं कर पाते जब भी ये आता है जैसे हम पंजाबी में बचपन में कहते हैं कि डाटरा का टीका आ जाता है तो वो जैसे ही आते हैं वो बर्ड बेचारा डिस्चर्ब हो जाते हैं वो अपने आप को हिलाते जुलाते हैं कि यार वो मच्छर को साइड पर या वो उस कुछ मक्खी को तो उससे क्या होता है खून की कमी के साथ साथ उनकी नींद भी अच्छी नहीं होती वो यानी कि डिसकम्फर्ट का शिकार हो जाते हैं तो जो भी वो उसकी प्रोडक्शन कर रहा है मिसाल के तौर तो पर अंडे वाली है तो वो अंडे कम कर जाएंगे जो वैसे वजन आपने गोश्त के लिए रखे हुए हैं वो गोश्त कम करना शुरू हो जाएंगे फिर जो आप वो जो क्या होगा कि अगर रात के टाइम मिसाल के तौर पे बर्ण बेचारा सही तरह से प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाया तो वो दिन को करने की कोशिश करेगा दिन का वो टाइम है जिस टाइम के उसने खाना भी खाना है और उसको मोटरबलाइज भी करना है अंडा भी देना है उसके बहुत सारा जो टाइमिंग है वो सारा का सारा इस तरह से वो डैमेज होगा फिर यानी दो तो मेन प्रॉब्लम उसके ये होने लग पड़ेंगे फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये आएगा कि जहां जहां वो बाइट करते हैं वहां वहां उनको पॉक्स का इन्फेक्शन होने का भी खतरा है कि जो पॉक्स जो चीचर जिसको हम कहते हैं अगर मैं सदरफाज में कहूँ तो जो चीज चींचक होती है वो हमेशा स्किन के ऊपर मेजोरिटी ऑफ केसेस में ज्यादातर ऊपर ही निकलती है तो जैसे ही वो स्किन को डैमेज करते हैं वहां पे बाइट करते हैं तो साथ ही वहां पे पॉक्स होने का भी खतरा होता है आप देखेंगे कि अभी जो अभी जब तक सख्त गर्मी से पहले पहले आपके जो कबूतर हैं आपके जो फैंसी बर्ड्स हैं आपके जो देसी मुर्गियां हैं उनमें आप देखेंगे कि किसी के नाक पे किसी की आंख के पास किसी की कलगी के ऊपर आगे पीछे सारों पर जो है वो चीचक या छोटे छोटे दाने निकल आएंगे तो वो क्या हो रहा है उसके पीछे जो एक बहुत ही एक्टिव मस्जिद होता है वो आपकी जो बैटिंग फ्लाई या जिसे कुत कुतमक्खी कहते हैं या जो मच्छर है वो होता है वो बहुत सारे तरीके से उनको डिस्टर्ब भी कर रहा होता है फिर क्या होता है कि जब वो चीजा का दाना सा बन जाता है तो वो इरिटेशन भी करता है खारिश भी करता है वो भी बर्ड को इरिटेट कर रहा है फिर वो जो बढ़ता है उसके अंदर बाद में जाके कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है वो पक सकता है इवन के सीर केसेस में उसके ऊपर अगर कोई मक्खी जो कीड़े मक्खी अगर कोई अंडे को दे, दे जाए तो वहां पे कीड़े भी पड़ सकते हैं जिसको हम मैगड्स कहते हैं वो यानी कि जख्म आगे से आगे खराब होता जाएगा तो जो आपका बर्ड है वो बेचारा इंतहाई इंतहाई परेशानी डिस्कम्फर्ट और इस सारे हालात में रहेगा जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है अंडा है या अगर वो मिसाल गोश्त की दे रखा है तो वो सारे के सारा डाउन होगा अगर मिसाल लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं तो वो जो कबूतर है मिसाल के तौर वो अगर पहले पाँच छः सात घंटे फ्लाई कर रहे थे तो फिर वो और कम कर जाएंगे आहिस्ते आता कमजोरी होने लग पड़ेगी और इन सीवियर केसेस क्या होगा कि हड्डी निकल आने के बाद जो है वो आपके बर्ड वो मर भी सकते हैं तो अब इस चीज़ को हम कैसे डील करें कि एक ऐसी चीज़ जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है मच्छर आप या जो वो मक्खी है वो आपका कहना तो नहीं मान रही तो जहरी बात है आपकी कोशिश होगी कि वो उसको ना काटे लेकिन वो काटेगी काटे, काटे क्योंकि उसका मौसम है और अल्लाह की तरफ से वो पैदा ही इस काम के लिए की गई है तो वो करेगी करे तो अब आप ऐसी चीज को जो आपके बहुत ज़रा लॉसेस कर रहा है वो खून भी पी रहा है वो आपके बर्ड को डिस्टर्ब भी कर रहा है वो पॉक्स को भी लाने का मसला बन रहा है वो ज, जो चीचक बनने के बाद आगे उसका इन्फेक्शन हो जाएगा वो बिगड़ता जाएगा बुखार हो जाएगा आपका बर्ड खाना पीना छोड़ जाएगा एक लंबी स्टोरी है तो लेकिन अब वो आप उसको रोक कैसे सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों ने फैंसी बर्ड्स रखे हुए हैं जिन लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं जो शौकीन नजर आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो काइंडली अपने बर्ड्स के जो उनके जो खुडे हैं या आपने जो बाहर उनके पिंजरे बनाया हुआ है या आपने उनके जो शड बनाया हुआ है कोशिश करें कि उसके बाहर बारीक मच्छर वाली जाली लगाएं बारीक जो मच्छर वाली जाली आम मशहूर है उसमें क्या होता है कि उसमें से मच्छर और मक्खी नहीं गुजर सकती ये वाली जो बारीक मक्खी है उससे क्या होगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपका शाम का टाइम मगर का टाइम जब करीब हो यानी कि अभी तक रोशनी हो तो आपने वो जाली वाला एरिया जो आपके मिसाल के तौर पे आपने वो दरवाज़ा लगाया है या जो जाली के आपने वो अगर मिसाल पर्दे वाली पर्दे के तौर पे इस्तेमाल करें वो सारी की सारी एरिया तो जानी चाहिए मेरे कहने का उसमें मकसद ये है कि आपके जो मगरब के बाद बाहर से कोई चीज अंदर ना आ सके यानी कि वो अगर आप बंद होंगे तो एरिया सील होगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो मक्खी और वो जो मच्छर है वो अंदर नहीं आ पाएगा और आपके बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा उससे सबसे पहले तो यह है मैनेजमेंटल हल है कि इससे आपके बर्ड जो से सेफ रहेंगे और उनको जो प्रॉब्लम आगे आने वाला है वो नहीं होगा दूसरा आप उसमें ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास थोड़े बर्ड्स है तो आप वहां पर कोयल भी बर्न कर सकते हैं ऐसे जगह पे आप कॉल रख लें कि वहां पे मिसाल के तौर पे वो जो बर्ड है उसको पिक ना कर सकें लेकिन उसका धुआं रहेगा तो उससे भी वो बेनिफिशियल होगा फिर आप ये कर सकते हैं कि वहां पे आप स्प्रे भी कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड जो आपके पास बहुत सारी आती हैं उनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं यानी आप बर्ड्स को बाहर निकाल लें और दीवारों के ऊपर कर दें तो क्या होगा फिर आप बाद में जब उनकी सर स्मेल कम हो जाएगी तो आप बर्ड्स को कोंदर लें तो उसमें ये होगा कि आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि उसकी जो स्मेल है अगर वो मक्खी या मच्छर उस दीवारों पर बैठेगा वो भी मर जाएगा और उसकी स्मेल की वजह से भी आपके जो है वो मक्खी मच्छर दूर हो जाएगा उसके अलावा कुछ मतलब देसी टोटके भी हैं जैसे कि कई लोग धुनी देते हैं मिसाल के तौर पर हल्का सा धुआं जला लेते हैं उसके ऊपर आप नीम के पत्ते वगैरह जो सूखे हुए पत्ते हैं वो रख सकते हैं उससे भी मिसाल के तौर पर वो धुआं निकलता है उससे भी वो बर्ड्स वगैरह स्पेल आ, रिपेल हो सकते हैं उसके अलावा कुछ फ्लाई रिपेलेंट्स भी इस तरह के होते हैं जैसे आइडोफार्म वगैरह उसका भी जो स्प्रे है या इस्तेमाल है वो भी आपके मक्खी मच्छर को दूर रखा सकता है तो ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आप ये मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपके जो फैंसी बर्ड्स हैं कबूतर आपने रखे हैं या जो बाकी मुर्गियाँ हैं वो इंशाल्लाह जो है वो मक्खी और खून पीने वाली मक्खी और जो मच्छर है उसकी जो मज़र असरात हैं उनसे वो महफूज रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी कोई किसी किस्म का सवाल इजा आप कह लीजिए जरूर कमेंट में करें और मेरे जो यूट्यूब चैनल है कह लीजिए उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को जो है वो आप जरूर लाइक और शेयर करें लोगों के साथ दोस्तों के साथ ताकि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ जो मेरे पेजेस को भी जरूर फॉलो करें वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें थैंक यू